साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 11 अप्रैल को मिलिट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ओ लेवल के नए एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानकारी दी गई थी और मैंने आप लोगों को इसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया था। बट आज हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करने वाले हैं, कुछ और बिंदु पर फोकस करने वाले हैं। अगर हम कम शब्दों में कहना चाहें तो जो ये नया एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसकी हेल्प से ओ लेवल का एग्ज़ाम पास करना इजी है या फिर डिफ़िकल्ट है, साथ ही आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करनी है, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, आप पास कब माने जाओगे, इन तमाम बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है कि हमने आपके लिए एक वेबसाइट डेवलप कर दी है जिसका नाम है examzilla.com। यहाँ पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ओ लेवल के सारे मॉड्यूल, डेली करंट अफेयर, ट्रिपल सी, जीके, हिंदी, स्टैटिक जीके, इन सभी का ही फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। अगर आप हमारा ओ लेवल का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहीं पर जानकारी मिल जाएगी। सिंपली आपको इनरोल नाउ पर क्लिक करना होगा तो जानकारी मिल जाएगी। तो जो वेबसाइट है ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है आपके एग्ज़ाम में। आइए बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि जो अभी तक एग्ज़ाम पैटर्न लागू हो रहा था उसमें क्या था, उसमें आपके चार पेपर हो रहे थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चार पेपर थे, इसके बाद एक प्रैक्टिकल था, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट था। लेकिन जो ये नया एग्जामिनेशन पैटर्न आया है इसमें आपके चार पेपर होंगे, चार पेपर, चार प्रैक्टिकल, चार प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट। यानी कि जो प्रोजेक्ट का सिनारियो है वो सेम टू सेम है, एक प्रोजेक्ट पहले भी था और एक प्रोजेक्ट अब भी है। पहले चार पेपर और एक प्रैक्टिकल था बट अब यहाँ पर चार पेपर और चार प्रैक्टिकल होंगे। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग जो ओल्ड पैटर्न है उसके हिसाब से पेपर को पास करना इजी था, बट अगर हम जॉब के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें आपको उतना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। यानी कि जो पेपर है उसको पास करना इजी था, यानी कि आप ओ लेवल आराम से कंप्लीट कर सकते थे, बट यहाँ पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसकी कहीं ना कहीं कमी थी। बट जो ये नया सिलेबस आया है इसके अकॉर्डिंग ओ लेवल को पास करना पहले से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, बट यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलने वाला है। अब ये बात आती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ओ लेवल का जो कोर्स है उसे न्यू पैटर्न से कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, वो है प्रैक्टिकल। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल हो रहा था जिसमें चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन M1 से, एक M2 से, एक M3 से और एक M4 से आ रहा था, जिसमें से अधिकतर लोग क्या कर रहे थे, M1 और M2 का जो प्रैक्टिकल है उसको अच्छी तरीके से तैयार कर रहे थे, साथ ही जो वाइवा था इनकी मदद से अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पा रहे थे। क्योंकि अधिकतर लोगों को M3 और M4 के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। तो दिक्कत अब उन लोगों के लिए ज़्यादा होने वाली है जिनको प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी या फिर कम समझ आती है, क्योंकि अब तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट का एक सेपरेट पेपर होने वाला है और सेपरेट प्रैक्टिकल होने वाला है। जो पेपर होगा वो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यानी कि उसमें आपके एग्ज़ाम में 100 MCQ आएंगे, यानी कि अब यहाँ पर आपका रिटर्न नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। बट जो प्रैक्टिकल है इसमें आपके चार क्वेश्चन आएंगे,
जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे और प्रत्येक पेपर का प्रैक्टिकल होगा जिसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 करने रहेंगे। आपका पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है वो तभी पास माना जाएगा जब आपका पेपर और प्रैक्टिकल एक ही बार में एक ही साथ क्लियर हो गया हो। मतलब क्या है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो, हाँ ठीक है यहाँ ले देता हूँ, ओके। मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम M1 का पेपर दिया और जो पेपर था उसमें आपके 100 जो MCQ थे उसमें से आपके 80 MCQ सही निकले, तो इस केस में जब आपका M1 का प्रैक्टिकल होगा बाई चांस उसमें आप फेल हो जाते हैं तो जो ये आपके 80 मार्क आप लाए थे M1 में ये आपके बेकार हो जाएंगे, इनका कोई यूज़ नहीं है, आपको दोबारा से पर्टिकुलर पेपर का पेपर और प्रैक्टिकल दोनों देना होगा। जो ये बात है ये आप लोगों को साफ साफ नोटिस में मेंशन कर दी गई है। तो अभी तक क्या था कि आप लोग 3 से 4 दिन में भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पा रहे थे गेस पेपर के थ्रू, क्यों? क्योंकि मैं आपसे बोल रहा था कि लास्ट टाइम पे आपको फोकस करना है थ्योरी और ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि अगर आप थ्योरी और ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो उस केस में आपको जो आपका एग्ज़ाम है उसे आप आराम से क्वालिफाई कर पा रहे थे। बट जो अब ये नया पैटर्न है इसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल भी आने वाला है और ख़ासकर जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको दिक्कत होने वाली है M3 और M4 में, क्योंकि जो इसके प्रोग्राम्स हैं थोड़ा सा लॉजिकली होते हैं और जो M4 के प्रोग्राम्स हैं वो थोड़ा लेंथी भी होते हैं। तो यहाँ पर M3 और M4 का जो प्रैक्टिकल है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, हालांकि M1 और M2 पर भी फोकस करना है, बट इसे आप लोग आराम से अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसको आप कर सकते हैं, बट M3 और M4 में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। आपकी इसमें क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नया पैटर्न आया है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जॉब ओरिएंटेड, यानी कि अगर आप जॉब करने जाते हैं तो उस केस में आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज की कहीं ना कहीं कमी थी जब आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दे रहे थे, अपना ओ लेवल कंप्लीट कर रहे थे, तो जो ये प्रैक्टिकल की कमी थी अब ये नया पैटर्न पूरी करने वाला है, यानी कि आपको ओ लेवल के बारे में अधिक से अधिक गहराई से जानकारी मिलने वाली है। तो बात ये आती है कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, तो ध्यान दीजिएगा आपको चैप्टर वाइज तो यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की गई हैं उनका क्या यूज़ है आप समझ पाओगे। जब आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो उस केस में जो आपका प्रैक्टिकल है वो आपके लिए इजी हो जाएगा, तो प्रैक्टिस से जो आपका प्रैक्टिकल है वो भी तैयार हो जाएगा, अच्छे ग्रेड से आप पास कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस बार जो नया पैटर्न है इसमें आपको चैप्टर वाइज फोकस करने की ज़्यादा नीड है, तभी आप अपना ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल दोनों क्लियर कर पाओगे। एक बात और कि अगर आप लोगों को डर है तो सबसे पहले आपको डर को ख़त्म करना है और एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से उसके लिए तैयारी करके मेहनत करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और मैंने आप लोगों के लिए चैनल पर M1, M2, M3, M4 और प्रैक्टिकल इन सभी की ही बना दी है प्लेलिस्ट, जहाँ से आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग पेड बैच लेने में सक्षम हैं तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास बजट है, अगर आप सक्षम हैं पेड बैच ज्वाइन करने में। तो बात ये आती है कि जो पासिंग कंडीशन है उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेंशन है कि 4 पेपर होंगे थ्योरी के, 4 होंगे प्रैक्टिकल के और 1 होगा प्रोजेक्ट का। वहीं आप लोगों को यहाँ पर जो पासिंग कंडीशन है वो दी गई है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो मान लीजिए आप थ्योरी का जो पेपर है उसमें पास हो गए,
प्रैक्टिकल में भी पास हो गए और आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों को मिलाकर आपके 50% मार्क्स या 50 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो इस केस में आप पास हो जाएंगे, आपको दोबारा से एग्ज़ाम नहीं देना होगा। बट अगर आप थ्योरी में पास हैं, प्रैक्टिकल में भी पास हैं, बट इन दोनों को मिलाकर आपके 50% मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो आपको दोबारा से थ्योरी और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, नीड टू रीअपियर इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों का दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप थ्योरी में पास हैं और प्रैक्टिकल में फेल हैं, बट इन दोनों को मिलाकर आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं, तो भी आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। थ्योरी में आप फेल हैं, प्रैक्टिकल में पास हैं, बट दोनों को मिलाकर आपके 50% आ रहे हैं, फिर भी आप फेल माने जाओगे और दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना होगा। थ्योरी में फेल हैं, प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो जाहिर सी बात है आप फेल ही होंगे और आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने होंगे। आप थ्योरी में एब्सेंट हो गए, प्रैक्टिकल में पास हैं या फिर फेल हैं, तो भी आप फेल माने जाएंगे और दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना होगा। थ्योरी में आप पास हैं या फिर फेल हैं, बट प्रैक्टिकल में एब्सेंट हैं, तो भी आप फेल माने जाएंगे और आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब ऐसी सुविधा नहीं है कि मान लीजिए आपने जुलाई 2022 में M1 का पेपर और प्रैक्टिकल दिया, जो थ्योरी पेपर था उसमें आप पास हो गए और प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो आप सोचें कि मैं जब जनवरी 23 में एग्ज़ाम होगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ M1 का प्रैक्टिकल देना होगा, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि फेल होने की स्थिति में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के ही एग्ज़ाम देने होंगे। तो ये था कुछ नया पैटर्न जो मैंने आपके साथ में साझा किया है। मुझे आशा है कि आपके जो कुछ डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके पास कुछ डाउट रह गए हैं तो आप उसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। साथ ही जो पेड बैच है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट है, वो आप examjira.com यहाँ पर जाकर दे सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। सो गाइस, जय हिंद।